दोस्तों, ये बात हम सबको पता है कि इंडिया की मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट महाराष्ट्र है, और अकेले महाराष्ट्र इंडिया की जीडीपी में 15% कंट्रीब्यूट करता है, जो किसी भी दूसरी इंडियन स्टेट से काफी ज्यादा है। आज मुंबई का जेएनपीटी पोर्ट कंटेनर ट्रैफिक के मामले में इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। वहीं मुंबई में ही देश की सभी बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिसेस भी मौजूद हैं। अगर हम साल 2000 से साल 2019 के बीच की बात करें तो महाराष्ट्र में 133 बिलियन यूएस डॉलर की एफडीआई आई है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन इन सब मैसिव डेवलपमेंट्स के बावजूद आज महाराष्ट्र के साथ काफी चैलेंजेस भी मौजूद हैं, जिसमें एक मेन चैलेंज है कि महाराष्ट्र की वेल्थ पूरी स्टेट में इक्वली स्प्रेड नहीं है, जिस वजह से महाराष्ट्र में कई बार विदर्भ से अलग स्टेटहुड की मांग भी उठती आई है। महाराष्ट्र के 6 डिविजन्स में से अकेले कोंकण डिवीजन महाराष्ट्र की जीडीपी में 41% कंट्रीब्यूट करता है, जिस वजह से आज महाराष्ट्र की पॉपुलेशन अपनी ही स्टेट में ईस्ट से वेस्ट की तरफ माइग्रेट करने को मजबूर है।